नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम वीडियोस बना रहे हैं हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस के बारे में, एक और अहम सवाल निकल कर आता है कि हार्ट की ब्लॉकेज जिनको है उनका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो इसका इलाज एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, या मैं कहूँगा एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है। इनिशियल शुरुआती दौर में हम पेशेंट को सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक करने की, या फिर बीमारी ना हो रिस्क फैक्टर्स के साथ, इसकी कोशिश करते हैं कि आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, आप प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, आपकी मेंटल स्टेटस, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फोकस किया जाता है। उसके बाद आती हैं बारी दवाइयों की, जो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं खून पतले की दवाइयाँ या फिर चिकनाई कम करने की दवाइयाँ। अगर आपकी बीमारी बहुत सीवियर है इन स्पाइट ऑफ दीज ट्रीटमेंट, या फिर इनिशियल स्टेजेस में ही हमें पता लग जाता है कि बहुत सीवियर बीमारी में आप पहुँचे हैं, तब बारी आती है एंजियोप्लास्टी की या बाईपास की। ये बहुत ही पर्सनलाइज डिसीजन होता है, हर पेशेंट पे इंडिविजुअल डिसीजन एक कार्डियोलॉजिस्ट लेता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, डिपेंडिंग कि आपको बाकी ओवरऑल हेल्थ का क्या स्टेटस है, आपकी ब्लॉकेज कहाँ पर है, ब्लॉकेज किस हिस्से में है, कितने परसेंट की ब्लॉकेज है। तो बहुत इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ब्लॉकेज है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप आइए। एंड आपको कोशिश यही रहती है हर कार्डियोलॉजिस्ट की, मेरी नहीं हर कार्डियोलॉजिस्ट की, कि दवाइयों से जितना ठीक हो सके पेशेंट ठीक हो, एंड इन केस ज़रूरत हो, एट अटमोस्ट नीड, हम स्टेंट या बाईपास पे जाते हैं। हम रखें आपका ख्याल।